सो गाइस, अगर आप YouTube पर वीडियोस बनाते हैं और अपनी वीडियो में इंट्रो आउट्रो लगाना चाहते हैं, सो गाइस आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं कि बिल्कुल आप फ्री में और HD क्वालिटी में अपने मोबाइल से ही इंट्रो और आउट्रो बना सकते हैं। क्या है गाइस, आपका चैनल किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड हो, आप सभी कैटेगरी में इंट्रो अपने बना सकते हैं। जैसे कि आपका गेमिंग से रिलेटेड हो चैनल, या आपका किसी टैग से रिलेटेड हो, या किसी भी आप कॉमेडी से रिलेटेड हो, आप सभी तरीके के इंट्रो इससे बना सकते हैं, वो भी फ्री में, और उनको डाउनलोड भी करके अपने यूज कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी कॉपीराइट आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए गाइस जानते हैं वो कौन सा ऐप है, करते बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट। नो ड्रामा, नो क्लिकबेट, ओनली दैट। गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहते हैं। तो गाइज आपको इंट्रो आउट्रो बनाने के लिए प्ले स्टोर से इंट्रो मेकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, आप इससे बहुत ही अच्छा इंट्रो बना सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको कंप्लीट दिखाता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे कि किस तरीके से आप इंट्रो बना सकते हैं। तो सिंपली हम इसको ओपन कर लेते हैं, पहले से मैंने ये डाउनलोड कर रखा है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इस तरीके का आपको इंटरफेस इसमें दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप इसको कट कर दीजिए, और इसके बाद जो है फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा काफ़ी सारे फॉन्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और यहाँ से जो है आप देख सकते हैं कितनी तरीके के आप यहाँ से इंट्रो आउट्रो बना सकते हैं। इधर को इसको आपको स्लाइड करके जो है वो आप देख सकते हैं कितने तरीके के आपको इसमें डिज़ाइन मिल जाएंगे, जो भी आप बनाना चाहते हैं। गेम से रिलेटेड कोई भी बनाना चाहते हैं तो आप गेम का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा बना सकते हैं, ये आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे आपको फॉन्ट मिल जाएंगे। तो चलिए अभी मैं आपको एक फ़िलहाल इंट्रो बना के दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ सी ऑल पे, और यहाँ पे जो है आपको इस वाले पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है इसे डाउनलोड करना है, जैसे कि ये आपका लिख रहा है 1080 पिक्सल, इस पे हम सिंपली क्लिक कर देते हैं और ये आप देख सकते हैं डाउनलोड हो गया है। अब यहाँ पे हम इसको एक बार ओपन करके देखते हैं किस तरीके का ये दिखेगा। एड योर लोगो, यहाँ पे आपको अपने चैनल का लोगो लगा देना है, और यहाँ पे आपको टाइटल अपना लिख देना है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे लिखते हैं अपना, लगाते हैं लोगो। इस पर क्लिक करने के बाद माई में जाएंगे आप, और यहाँ से आप अपने चैनल का लोगो सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से फिर इसको आप इसमें एडजस्ट करेंगे। तो चलिए मैं कर लेता हूँ इसमें एडजस्ट, आपको ये काफ़ी अच्छे तरीके से करना है एडजस्ट, ताकि ये लगना चाहिए कि एक अच्छा इंट्रो बहुत ही है। तो चलिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ ऐसे ही रफली बना के, और आप इसमें काफ़ी अच्छा इसको बना सकते हैं। इसके बाद आपको राइट पर क्लिक करना है। अब देखिए आप जो है इस तरीके का आपका ये दिखेगा, आपका लोगो आपका आ चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना टाइटल लिखना है। तो चलिए हम टाइटल लिख लेते हैं, यहाँ पे आपको अपने चैनल का नाम दे देना है। तो मैं आपके चैनल का नाम अपने लिख देता हूँ। लिखने के बाद आपको सिंपली इसको राइट कर देना है, और यहाँ से जो है फिर आप इसके डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, काफ़ी सारे डिज़ाइन इसमें आप देख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो रख सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको रख रहा हूँ, ये मुझे अभी अच्छा लग रहा है, और इसको आप जो है इसमें एडजस्ट कर दीजिए। तो चलिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे इसको एडजस्ट, बहुत अच्छे से आपको इसको एडजस्ट करना है। उसके बाद जो है फिर आपको राइट कर देना है, और अब आप देख सकते हैं इसको चलाकर ये किस तरीके का दिख रहा है। तो इस तरीके का कुछ आपका ये अभी दिखेगा जब भी आप इसको डाउनलोड करेंगे। तो उसके बाद जो है फिर आपको क्या करना है, आपको इसमें एक म्यूजिक ऐड करना है। तो चलिए हम म्यूजिक ऐड कर लेते हैं। तो म्यूजिक वाले ऑप्शन पर जाएंगे, और यहाँ से जो है आप POP वाले ऑप्शन पर जाके जो है मुझे ये काफ़ी अच्छा म्यूजिक लग रहा है, तो मैं ये वाला म्यूजिक ऐड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये म्यूजिक था, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे और राइट करेंगे तो आपका ये म्यूजिक ऐड हो जाएगा। तो चलिए आप देख लेते हैं किस तरीके का ये बना है। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से बन चुका है, और म्यूजिक भी इसमें काफ़ी अच्छा जो है वो लग रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, फिर आपको इस पर राइट वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, और आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी, और आप इसको अपनी YouTube वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप अपना आउट्रो भी इसमें बनाना चाहते हैं तो आउट्रो भी इससे बना सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं अभी हो रहा है एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट करके मैं आपको सिंपली इसको ओपन करके दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं अब हो चुका है ये एक्सपोर्ट, और सेव हो चुका है हमारी वीडियोस में। तो चलिए हम चलते हैं अब वीडियो में अपनी, और देखते हैं इसको ये किस तरीके का लग रहा है वीडियो में जाकर। तो ये आप देख सकते हैं अभी इसको हम करते हैं ओपन, ये देखिए आप। तो इस तरीके का कुछ लग रहा है,
और ये काफी अच्छा लग रहा है, तो आप यहाँ से अपना आउटरो इंट्रो बना सकते हैं।